इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह में रखी राम की मूर्ति की पहली तस्वीर सामने आई। बड़ी जानकारी न्यूज नेशन पर, श्री राम की मूर्ति की पहली झलक आपको दिखाएंगे। मंदिर के गर्भगृह में बाल रूप में राम की मूर्ति, ये तस्वीर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में राम की मूर्ति की पहली तस्वीर। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इसी क्षण का हर देशवासी को शायद इंतजार था और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। जी बिल्कुल, हर देशवासी का ही नहीं, 550 वर्षों का इंतजार था कि रामलला गर्भगृह में सब विराजेंगे, और वो 550 साल का जो इंतजार था वो आज खत्म हुआ, क्योंकि जिस गर्भगृह को लेकर के 550 साल तक संघर्ष हुआ था वहाँ रामलला की जो मूर्ति विराजमान हो गई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगी। और चूंकि परिसर भ्रमण कराने के बाद सीधे गर्भगृह में उसी स्थान पर उनको ले जाया गया था, और आज पंचांग पूजन हुआ था, गर्भगृह का पूजन हुआ था, मंडप पूजन हुआ था, और गणेश पूजन से ही आज 1:20 से 1:28 तक के बीच का मुहूर्त निकाला गया था, और उसी मुहूर्त के दरमियान ही भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में ले जाया गया था और रख दी गई। अब उसकी तस्वीर सामने आई है, हालांकि चेहरे को ढका गया है, ताकि वो नियम है, धार्मिक प्रावधान यही है, जो वैदिक प्रावधान है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही जो नेत्र है वो खोले जाते हैं, तो उस पर से पर्दा हटाया जाएगा, और जैसे ही पर्दा हटाया जाएगा तो आंख में अंजन लगाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अपनी आईना दिखाएंगे, यानी भगवान के श्रृंगार को भगवान को ही दिखाएंगे, तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूर्ण हो जाएगा। इसीलिए उसको अभी तक ढक कर रखा गया है, लेकिन ये बहुत बड़ी तस्वीर है, ये 550 साल की सबसे बड़ी तस्वीर अगर इसे कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विकास। तो वाकई में 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ, और साथ ही खत्म हुआ इंतजार, प्रभु श्री राम की जो मूर्ति थी, रामलला की जो मूर्ति थी, वो गर्भगृह में रख दी गई।